नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये काफी खबरों में था। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में अखबारों में या न्यूज चैनल्स में देखा होगा। इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसने किसने स्टार्ट किया और कितनी कंट्रीज इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में आपको मिलेंगी, और इन सारी के सारी कंट्रीज को हम याद करेंगे ट्रिक से। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, भारत और भारत के अलावा 12 और देश हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, जिसकी शुरुआत की, जिसको अनवील किया यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने हाल ही में 23 मई 2022 को, जबकि क्वाड लीडर्स की मीटिंग हो रही थी टोक्यो में। इस फ्रेमवर्क का एम क्या है कि एक ओपन, इंक्लूसिव, इंटरकनेक्टेड और सिक्योर इंडो पैसिफिक बनाया जाए, और उसकी मदद से हम क्या करें, चाइना की जो एक्सपेंशन नीति है उसको काउंटर किया जा सके इस पूरे के पूरे रीजन में। अब चाइना की एक्सपेंशन नीति का मतलब है कि चाइना बोलता है साउथ चाइना सी भी मेरा, अरुणाचल प्रदेश को भी बोलता है मेरा, तिब्बत तो उसने इलीगली हथियार लिया है, पीओके उसने अपने नाम कर लिया, जो मतलब अपने नाम तो नहीं किया लेकिन आप देख लीजिए कि ये जो सीपैक इन्होंने चलाया हुआ है उसके वजह से पीओके जो है वो भी अब सीधा लीज पर चाइना के पास चला गया है, पीओके का बहुत सा हिस्सा, और इसीलिए पीओके के लोग भी काफी ज्यादा आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा काफी विरोध कर रहे हैं चाइना का। तो इस हिसाब से ये सारी की सारी चीजें क्या बताती हैं कि चाइना क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, जो कि खतरा है ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि जापान और बाकी छोटे मोटे देशों के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के लिए जो मेन इशू है वो तो ट्रेड का है, राइट, क्योंकि अमेरिका को चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वहां पे एक्सपैंड होने की नीति का इसको क्या असर है, इसका असर है ट्रेड एक, और दूसरा कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इसका कंसेप्ट है। इसलिए चाइना की जो एक्सपेंशन नीति है उसको टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए एक ओपन, इंक्लूसिव, इंटरकनेक्टेड और सिक्योर इंडो पैसिफिक की जरूरत है, जिसको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के तहत पूरा किया जाएगा। शुरुआत किसने की है, जोए बिडेन ने, IPEF, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी की, जो कि इनविजन करता है, जो एक सपना देखता है फ्री, ओपन और सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन का। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया कि इंडो पैसिफिक कंट्रीज जो इसमें हिस्सा लेंगी वो रिप्रेजेंट करती हैं 40% ऑफ ग्लोबल GDP, व्हाइल US जॉइन इन अ स्वीपिंग इकोनॉमिक इनिशिएटिव दैट हैज बीन डिजाइन्ड टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। जैसे मैंने बताया कि US भी इन सारे के जो 40% GDP है पूरी दुनिया की, उसके साथ अमेरिका भी जुड़ रहा है ताकि हम एक फ्री और फेयर इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है वो ले सकें, ताकि प्रॉस्पेरिटी आ सके हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में। अब ये जो कंट्रीज हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में आती हैं, जो कि इसके पार्ट भी हैं, वो हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया है ये, और न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम। अब इन देशों को याद रखने का ट्रिक है, और आपके पास ट्रिक है विजिटर बैंड फॉर स्काई जंपिंग। जो विजिटर हैं उनको बैन किया गया स्काई जंपिंग से, विजिटर बैंड फॉर स्काई जंपिंग। अब यहाँ पे जो रेड कलर में है उसी से देश बनेंगे, तो आपने वो याद रखने हैं। वी से आपके पास आ गया वियतनाम, वी से आपके पास क्या आ गया वियतनाम, आई से आपके पास आ गया इंडिया, हमारा प्यारा भारत, एस से आपके पास आ गया सिंगापुर, फिर आई से आपके पास आ गया, अब या अब देखो आप बोलोगे सर दो आई हैं कैसे याद करें, हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, चाइना के आसपास, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है, तो चाइना के आसपास आई से एक इंडिया है, दूसरा आई से क्या है याद करिए, फटाफट याद करिए, दूसरा आई से क्या बनता है इंडोनेशिया, राइट, फिर अगल बगल में कौन सा देश आता है थाईलैंड, फिर कौन सा आता है ब्रुनेई, ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फिर नीचे जैसे को कौन सा पड़ता है न्यूजीलैंड,
है ना। अब हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं तो नीचे मैप में, मैप को इमेजिन करो, नीचे नीचे वाले देश आएंगे ना, इधर तो यूरोप आ जाएगा, यूरोप है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनको क्या लेना देना है, तो इस वाले तो देश होंगे। तो इसलिए जब आप ये ट्रिक याद करो ना, विजिटर बैन फॉर स्काई जंपिंग, तो देखिएगा कि इसमें से जो भी आपके पास अल्फाबेट बन रहे हैं जिनसे देश बनेगा, यानी जैसे ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्रुनेई, तो वो वही होंगे जो इंडिया के आसपास, ये आपके चाइना के आसपास है, ठीक है ना। ताकि वो, क्योंकि हम चाइना को के इन्फ्लुएंस जो है उसको ही तो हमने कम करना है, ये याद रखिएगा। तो एन से आ गया न्यूजीलैंड, फिर एस के से क्या आया, एस के, एस के से आपके पास आ गया साउथ कोरिया, राइट। फिर जे से आपके पास क्या आया, जापान, राइट। फिर यू से आपके पास क्या आ गया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब एम से क्या बच गया, एम से आपके पास बच गया मलेशिया, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश बच गया फिलीपींस, राइट। ये है विजिटर बैन फॉर स्काई जंपिंग। वी से वियतनाम, आई से इंडिया, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, टी से थाईलैंड, बी से ब्रुनेई, ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, स्काई से साउथ कोरिया, जे से जापान, यू से यूएसए, एम से मलेशिया, पी से फिलीपींस। तो ये जो ट्रिक है ये आपने याद रखना है, पूछा जा सकते हैं इन कंट्रीज के बारे में, क्योंकि ये अभी हाल ही में खबरों में है। अब प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि भाई इंडो पैसिफिक जो है ये फ्री होगा, ओपन होगा, सिक्योर होगा, एज वेल एज रेजिलियंट होगा, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल होगी, इंक्लूसिव होगी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि हम 21वीं सदी के लिए नए कानून, नए रूल्स बना रहे हैं, ताकि हम सबके देश की जो इकोनॉमी है वो एक फेयर तरीके से और जल्दी, फास्टर जो है वो ग्रो करे। एम क्या है, जैसे मैंने बताया, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जितने भी देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहेंसिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कम्पिटिटिवनेस, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में ज़रूरी है, ये बताया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, यानी ये इसका एम है। मोदी जी भी इसमें थे, तो मोदी जी ने भी अपना फॉर्मूला दिया, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के ऊपर डिस्कशन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3T फॉर्मूला दिया। 3T फॉर्मूला क्या है, पहले टी से आता है आपके पास ट्रस्ट, दूसरे टी से आपके पास आता है ट्रांसपेरेंसी, और तीसरे टी से आपके पास आती है टाइमलेसनेस। तो यानी सारे के सारे देशों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट करें पहली चीज़, फिर ट्रांसपेरेंसी हो, यानी एक दूसरे से कुछ भी छुपाया ना जाए, सब कुछ ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो, और फिर टाइमलाइननेस हो, यानी कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी इनिशिएटिव हम लेते हैं, तो वो टाइमलाइन के मुताबिक अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगले 3 साल में हम ये करेंगे, तो 3 साल में वो चीज़ पूरी हो जानी चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 3T फॉर्मूला था। ये था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसमें हमने सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट्स कवर किए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। कंट्रीज को हमने याद किया ट्रिक के माध्यम से। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ऐसे और भी मैंने काफ़ी ट्रिक्स बनाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी ट्रिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।